पॉपुलर शो बालिका वधु की आनंद यानी प्रत्युषा बैनर्जी ने साल 2016 में खुद की जिंदगी को लेकर एक बेहद ही दर्दनाक कदम उठाया था। प्रत्युषा बैनर्जी की मौत के बाद उनके फैंस को विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी पसंदीदा एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं रही है। प्रत्युषा बैनर्जी की मौत के बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर उन्हें ये दर्दनाक कदम उठाने के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा गया कि लेट एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद मुंबई की एक अदालत ने आरोपी राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लेट एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रथम दृष्टया से स्पष्ट है कि राहुल राज सिंह द्वारा शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई थी। राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा बैनर्जी की समस्याओं को कम करने के लिए कोई मदद नहीं की। ऐसे में राहुल राज सिंह साफ तौर से प्रत्युषा बैनर्जी को उकसाने के दायरे में आता है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने बीती 14 अगस्त को राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही थी। कोर्ट का विस्तृत आदेश 31 अगस्त को उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि प्रत्युषा बैनर्जी ने 24 साल की उम्र में 1 अप्रैल 2016 को मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने फ्लैट पर कथित तौर पर यह दर्दनाक कदम उठाया था। प्रत्युषा बैनर्जी की मौत के बाद उनकी मां ने बेटे के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। वहीं आरोपी राहुल राज सिंह की तरफ से ये कहा गया कि उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। वो प्रत्युषा बैनर्जी से काफी ज्यादा प्यार करता था और दोनों शादी भी करने वाले थे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।